माइक टेस्टिंग। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइबर, आपके प्यारे मेंबर्स, ये आपको मैंने एक डिवाइस रिकमेंड की थी पिछले दिनों कि ये ठीक होगी। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं और मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सब्सक्राइबर आपके मेंबर्स को गाइड करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए, तो मैंने ये डिवाइस बुलवा ली जो 6,000 रुपये की है। और आइए देखते हैं ये डिवाइस कैसी है। इसके साथ में आया है ये मिक्सर, और मिक्सर का डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगा। अनबॉक्सिंग करने वाला नाटक नहीं करता हूँ मैं, वो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। ये माइक्रोफोन इसके साथ में आया है और कुछ केबल्स वगैरह भी आई हैं। माइक्रोफोन की केबल आ चुकी है। एक साथ में इसके ये पॉप शील्ड आई है जो एयर कंट्रोल करने के लिए, हिसिंग साउंड को कम करने के लिए। ये माइक के आगे लग जाती, माइक के आगे ऐसे लगती। अभी उसको नहीं लगाता हूँ ताकि मैं माइक में घुस के बात कर सकूँ। और ये शानदार स्टैंड आया है, माइक्रोफोन स्टैंड, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो रेडियो जॉकी और जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं वो लगाते हैं। और इसको देखो मैंने कहाँ टांग रखा है। नवरूप जी यहाँ दिखाइए, इसको यहाँ मैंने कस दिया है इसको इस जगह पर, और बहुत ईजीली ये माउंट हो गया है और बहुत फ्लेक्सिबल है। इसको ऊंचा नीचा किया जा सकता है थोड़ा पीछे करके, कैसे भी अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है ऊंचा नीचा करके। ये देखेंगे जब बाद में लगेगा तो यूज़ करेंगे। इसके साथ में माइक्रोफोन की जो केबल है वो आई है। माइक्रोफोन ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत अच्छे होते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस से, क्योंकि इनकी जो साउंड कैचिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, साउंड कैच बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसके लिए फैंटम पावर चाहिए होता है, बिना फैंटम पावर के कंडेंसर माइक नहीं चलते हैं। तो इस मिक्सर की गुणगान करना अब शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर फैंटम पावर। नवरूप जी जो मैं बोल रहा हूँ वो देखिए, आप यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पर फैंटम पावर भी दिया हुआ है। दिस इज़ फैंटम पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए, और साथ में इसका गेन हाई लो, और इसका मेन गेन, और बीच में इफ़ेक्ट का बटन भी दिया हुआ है। अभी इफ़ेक्ट चालू करके बताता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे शहर में विशाल भंडारा होगा, भंडारा 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 विशाल भंडारा। ये इफेक्ट कंट्रोल करने की नॉब है, इफेक्ट को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये मजाक से परे, ये इस माइक्रोफोन से अपना काम हो चुका है। और एडिशनल एक और माइक्रोफोन लगाने की सुविधा यहाँ दी गई है, जिसमें फैंटम पावर नहीं है, लेकिन जो डायनेमिक माइक होते हैं, जो साधारण माइक होते हैं, जो मैं यूज़ भी करता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं वो भी, क्योंकि आउटडोर के लिए डायनेमिक ही ज़्यादा चलते हैं। कंडेंसर माइक आउटडोर में नहीं चलता, खासकर बड़े साउंड सिस्टम पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साउंड कैच करता है और सीटियाँ बजा डालता है। सीटी बजाने में माहिर रही है कंडेंसर माइक। तो यहाँ पर वो सेम कंट्रोल इसमें भी दिए हुए हैं और इसमें भी इफ़ेक्ट दिए हुए हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर है RC। दिस इज़ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, कि आपको यहाँ से आउट लेके अगर किसी डिवाइस में देना है रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये दोनों चैनल है। उसके जस्ट नीचे RC और है, ये इन है। यहाँ पर आप अपना iPad और कुछ भी लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ फिर ये लेफ़्ट राइट दिया हुआ है, जिसमें जैक के माध्यम से आप iPad और अपनी डिवाइसेस, ऑडियो डिवाइसेस लगा सकते हैं। ये RC से भी वही काम होगा और जैक से भी वही काम होगा, जिसके पास जिस तरह की केबल हो या जिस तरह की केबल वो लेना चाहे ले सकते हैं। साथ में USB कनेक्ट करने के लिए, कि USB में कराओके ट्रैक या कुछ भी प्ले करने के लिए ये यूज़ की जा सकती है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर आपके मेंबर ये इस बात से जूझते रहते हैं कि कैसे कराओके ट्रैक प्ले करें। तो USB से कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ से भी किया जा सकता है। इसमें ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ मोड भी है, जो एक मोबाइल से आप ब्लूटूथ से जोड़ लीजिए और एक से रिकॉर्डिंग पर्पस से यूज़ कर लीजिए। अब ये जो केबल है दोस्तों, अब आपको ये जान के कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस केबल से मैंने आउट दिया हुआ है। ये मेन आउट है, लेफ्ट एंड राइट, राइट वाले चैनल से मैंने आउट दिया हुआ है, और वो सीधे पीछे ले लीजिए ना वरुण जी, वो सीधे इस मोबाइल फ़ोन में मेरा साउंड जा रहा है। उसका उदाहरण आप देखिए कि मैं अभी माइक से पीछे होता हूँ, मेरी आवाज़ कम हो जाएगी। मेरी आवाज़ अब कम हो गई होगी, क्योंकि माइक से मैं पीछे हूँ, माइक से पीछे था, अब आ गया हूँ पास में, यानी कि डायरेक्ट साउंड आपको यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है,
आईरिक के माध्यम से, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, और आईरिक का डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर से मैं डाल देता हूँ इसके साथ में, और ये पूरी डिवाइस का भी देता हूँ दोस्तों। ये जो डिवाइस है इसकी कीमत तो सिर्फ 6,000 रुपये है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत सारी है, और साथ में एसेसरीज़ बहुत सारी दी है। देखो, एक माइक लगाने के लिए एक एडिशनल ये दिया है, इसमें डायरेक्ट माइक लगाना हो ये क्लिप दी है, और ये बड़े काम की चीज़ एक दी है जिसमें हेडफोन जो आउट है, हेडफोन आउट में अगर दो लोगों को सुनना है तो आप दो लोग इससे के माध्यम से सुन सकते हैं हेडफोन वाली जगह लगा के, और साथ में एक केबल और आई है जिसमें एक तरफ तो ये 3.5 mm है और दूसरी तरफ ये XLR केबल है, और जो आपको आउट देना हो कभी फ़ोन्स के माध्यम से, मतलब इसमें जो फ़ोन्स वाला आउट है वहाँ से तो दिया जा सकता है। तो चलो अब बांसुरी बजा के देखते हैं इसमें क्या से रिकॉर्ड होगा। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है, और जब हायर ऑक्टेव का फ्लूट बजाते हैं तब माइक्रोफोन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, ऐसे दूर हो जाना चाहिए, और जब लोअर ऑक्टेव में आ जाते हैं मिडिल ऑक्टेव में तो फिर पास में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से देखिए कैसे। अगर हायर ऑक्टेव में नज़दीक रहेंगे तो वो जार होने की उम्मीद रहती है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी डिवाइस है, और मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप ले लीजिए, क्योंकि इससे आपकी साउंड रिकॉर्डिंग करने की, अपने वीडियोस बनाने के लिए या कंपटीशन के लिए वीडियोस बनाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जिसमें माइक्रोफोन भी आ गया। खुद माइक्रोफोन ही जो मेरा मैं यूज़ करता हूँ अपने फेसबुक लाइव में, वो माइक्रोफोन ही 35,000 रुपीज़ का है, और ये विथ माइक्रोफोन विथ दिस फ्लेक्सिबल स्टैंड एंड विथ मिक्सर विथ ऑडियो इफेक्ट्स एंड ऑल द एसेसरीज जस्ट 6,000 रुपये का। ये मैं खुद इसका मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, ना ही मैं इस कंपनी का कोई प्रमोशन करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के चक्कर में ये डिवाइस मेरे सामने आई कि मैं कैसे इनकी सब्सक्राइबर आपके मेम्बर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ डायरेक्ट रिकॉर्डिंग वाली को। और इस आपको लेने से पहले मैंने ये वैसे तो रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने ये बात भी मेंशन की थी कि 8 तारीख तक आप रुक जाइए, या 8 फरवरी तक, ताकि मैं इसे बुलाकर चेक कर लूँ कि आपके लायक है या नहीं है। और मैंने आज चेक कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी इस डिवाइस की, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने ले तो लिया है, लेकिन मैं लेकर बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन हो गया कि सब्सक्राइबर हब के मेम्बर्स को का भला करने के चक्कर में मेरा भी भला हो गया। यानी कहते हैं ना, कर भला हो भला, और ऐसा इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि एक सरप्राइज इसका फीचर है जो कि बहुत ही उपयोगी है, और मेरे लिए खासकर। अभी 2 सेकंड के लिए मैं अपनी आवाज़ मेरी बंद होगी क्योंकि मैं एक बदलाव करने वाला हूँ, मिक्सर बंद करने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिए। मेरी आवाज़ आ चुकी है दोस्तों। अभी मैंने क्या किया, इसका जो सबसे बढ़िया सरप्राइज़ फीचर मुझे लगा, जो मुझे पहले मालूम नहीं था लेने से पहले, और जब आया तब मैंने देखा कि ये पावर बैंक से भी चलता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं आउटडोर में जाते हैं या कार में जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पावर बैंक लगा लीजिए, या जो कार में तो सिगरेट लाइटर होता है, या और भी कोई लाइटर हों, पावर बैंक्स हों, उसके माध्यम से चलेगा। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कहीं आउटडोर गए, जंगल में गए, या किसी सड़क पे खड़े हैं और रिकॉर्ड करने का मन है, या किसी पार्क में रिकॉर्ड करना है, तो इससे बहुत इजीली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की इसमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सप्लाई मिल रही है, पावर सप्लाई इस पावर बैंक से, जो कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी की हो सकती है, हज़ारों हैं अलग अलग, और
पावर सप्लाई से हो रहा है और डायरेक्ट साउंड मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक धुन सुन लो। धुन सुनाने से पहले इसको ब्लूटूथ से जोड़ा जाए। नवरूप जी आप पॉज कर दीजिए इसको वीडियो को, मैं ब्लूटूथ से जोड़ता हूँ। ओके, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। आइए एक गाना सुन लो। ये अपने फेवरेट वाले, इसके ब्लूटूथ के वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। ये बंद हो गया, ये चालू। देखो दोस्तों, अभी तो मैंने एक छोटा सा स्पीकर इसमें जोड़ा हुआ है, जो इसका यहाँ नवरूप जी यहाँ दिखाइएगा, जो इसका फोन्स है यहाँ से मैंने ये स्पीकर में जोड़ रखा है JBL में। लेकिन ये फोन्स की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ईयरफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साधारण से ईयरफोन्स आप लगा सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर। चलो फिलहाल तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा ये डिवाइस है। कर दो खर्चा 6,000 रुपये मेरे कहने से, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। और देखो, इस जीवन में आए हैं ना, तो अपने पैशन को ज़िंदा रखने के लिए थोड़ी सेविंग करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो, कमाओ और उसमें अच्छी अच्छी डिवाइसेस खरीदो। और जो डिवाइस खरीदी है ये लाइफ टाइम नहीं होती है, ये थोड़े दिन चलेगी, इसके बाद नई डिवाइस खरीदने की नीयत रखो। ये नहीं कि अब 90 साल के हो जाएंगे यही डिवाइस रगड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है आगे, तो अपने को टेक्नोलॉजी के लिए भी एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा रखना चाहिए और उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, सेविंग कीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी में आप पीछे ना रह जाएं। यही मेरी सीख है सभी को कि टेक्नोलॉजी को अपनाए बिना आप बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट या प्रोफेशनल बिजनेसमैन ही कह लीजिए, नहीं बन सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी से पीछे रहना बहुत बड़ी भूल होगी आपकी, और छोटे छोटे नौजवान बच्चे जो आपके घर में हैं वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। जहो जहो, रुको रुको रुको, रावण वाली ऐसी सुन लो। Naughty, 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 naughty.